केसीआर और पीएम मोदी का मुकाबला, हमेशा सीएम क्यों करते हैं मोदी का अपमान, आखिर एक प्रधानमंत्री का अपमान करने का हक किसने दिया, 14 महीने 5 दौरे लेकिन नहीं मिले केसीआर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को तेलंगाना के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उसके साथ ही साथ पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया, लेकिन उनकी अगवानी करने के लिए केसीआर नहीं आए। समझाते हैं एक रिपोर्ट में कि आखिर हर बार ऐसा क्यों होता है। दरअसल एक गणराज्य के लिए एक लोकतांत्रिक परंपरा है कि राज्य और केंद्र मिलकर देश का विकास और राज्य का विकास करें। केंद्र राज्य के लिए बड़े भाई का रोल करेगा और सामंजस्य बिठाने के साथ काम करेगा, लेकिन राजनीतिक और आपसी दुश्मनी को लेकर राज्य और संघ के बीच हमेशा टकराव होता है। इससे पहले ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच मुकाबला हो चुका है, जिसमें कई अधिकारियों की शामत आ गई थी। अब एक बार फिर इसी मुद्दे पर काफी कुछ कहा जा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को तेलंगाना के दौरे पर थे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने नहीं आए। जी हाँ, पीएम मोदी के आने पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उनकी अगवानी नहीं की। उनकी जगह राज्य सरकार की ओर से पशुपालन मंत्री टी श्रीनिवास यादव को पीएम की यात्रा के लिए मिनिस्टर इन वेटिंग के रूप में नामित किया गया। इससे पहले भी जब पीएम तेलंगाना आए तो केसीआर उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे। खबरों की माने तो पिछले 14 महीनों में पीएम मोदी तेलंगाना 5वीं बार पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री ने तेलंगाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी नहीं की। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाने के बाद परेड ग्राउंड में एक जनसभा में भाग लिए और 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब तेलंगाना पुलिस ने 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य के बीजेपी अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार को गिरफ्तार किया था। जानकारों की माने तो केसीआर की बेटी को ईडी ने समन भेजा और उनसे पूछताछ की, जिसको लेकर केंद्र और तेलंगाना के संबंध काफी खराब हो गए हैं। इसके साथ ही साथ केसीआर का आरोप है कि पार्टी को केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों से परेशान कर रही है और धमका रही है, और ये मामला काफी पुराना है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि केसीआर और मोदी के बीच दुश्मनी जारी है। कभी बीजेपी और केंद्र पर केसीआर हमला करते हैं, इसी वजह से केसीआर मोदी से नहीं मिलते और उनका अपमान करते हैं। फिलहाल जिस तरीके से लगातार केसीआर पीएम मोदी का अपमान कर रहे हैं और राज्य के दौरे पर जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो केसीआर उनकी अगवानी करने नहीं आते हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।